नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल आईसीटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से हम आप लोग के लिए नेशनल स्कॉलरशिप रिलेटेड एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कुछ दिन से कमेंट कर रहे हैं कि सर, जब भी हम लोग एनएसपी को लॉगिन कर रहे हैं तो हम लोग को 504 गेटवे टाइम आउट आ रहा, तो ये प्रॉब्लम किसके साथ हो रहा, कब तक रहेगा और कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाला है। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कुछ दिन से कि सर, लॉगिन नहीं हो पा रहा, 504 गेटवे टाइम आउट ही बता रहा, तो कैसे हम लोग स्कॉलरशिप को अप्लाई करें, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक कीजिएगा, फ्रेंड ग्रुप में वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसके बारे में पता चले। और चैनल पर पहली बार आएँ, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले और एक चीज़ बात बता दूँ, अगर आप लोग को स्कॉलरशिप रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए या फिर स्कॉलरशिप रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो गूगल पे आप लोग लिखिए scholarshiphelp.in। गूगल पे आप लिखेंगे scholarshiphelp.in तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगा, देख सकते हैं स्कॉलरशिप हेल्प गेट फ्री स्कॉलरशिप अपडेट एंड हेल्प पोर्टल। इस वेबसाइट में आप लोग को नया नया एडुकेशनल और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल रिलेटेड अपडेट और नया नया स्कॉलरशिप रिलेटेड अपडेट भी मिल जाएगा। जैसे कि अभी बिहार स्कॉलरशिप आया हुआ तो जिसका भी अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे भी इसका लिंक दे दूंगा, आके जरूर चेक कीजिएगा या फिर गूगल पे याद रखे scholarshiphelp.in वाला वेबसाइट में आके चेक करेंगे, एनएसपी रिलेटेड सभी स्कॉलरशिप का स्कीम का डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगा आपको। एनएमएस, ईशान उदय या फिर एनएसपी प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, सभी स्कॉलरशिप का यहाँ पर आप लोग को स्कीम का डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अभी बात करता हूँ किसके साथ 504 गेटवे टाइम आउट बता रहा, कब तक रहेगा और कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं हम अभी अपना एनएसपी स्कॉलरशिप को लॉगिन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अभी इस टैब को काट दिए, इसको काट दिए, ठीक है। अभी हम यहाँ पर लॉगिन कर रहे हैं एनएसपी को रिन्यूअल के लिए, तो रिन्यूअल 21-22 के लिए यहाँ पर जैसे लॉगिन में क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं हम अभी 21-22 के लिए स्टूडेंट का लॉगिन कर रहे हैं रिन्यूअल के लिए। तो यहाँ पर ये मेरा स्टूडेंट का ये फाइल है, ठीक है, 20-21 सेशन का, तभी लॉगिन होगा 83475। इस स्टूडेंट का अभी हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं, तो जैसे लॉगिन करेंगे तो देख सकते हैं पासवर्ड अभी ले लिया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा घूम रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर ये रोटेट हो रहा, मतलब वेबसाइट अभी चल रहा जबकि मेरा नेट चल रहा है। अगर आप लोग बोलेंगे नेट नहीं चल रहा तो देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा पेज में ओपन हो गया, अभी ये यहाँ पर ये ओपन नहीं हुआ। ऊपर में आप लोग देखिए ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पर राउंडिंग राउंडिंग घूम रहा, मतलब अभी वेबसाइट यहाँ पर लॉगिन कर रहा है, ठीक है। अभी आप लोग सामने देखते हैं कि मेरा क्या बताता है, उसके बाद आप लोग को इसके बारे में डिटेल्स में बात करूँगा कि किसके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं अभी मेरा यहाँ पर लॉगिन नहीं हुआ, तो 504 गेटवे टाइम आउट किए अभी, मतलब यहाँ पर हम रिन्यूअल के लिए लॉगिन कर रहे थे और 504 गेटवे टाइम आउट मेरा यहाँ पर शो हो गया, लॉगिन नहीं हुआ। अभी हम फ्रेश के लिए लॉगिन करते हैं, देख सकते हो लॉगिन यहाँ पर फ्रेश आया 21-22 सेशन के लिए, यहाँ पर हम लॉगिन फ्रेश में चले गए और अभी हम अपना रजिस्ट्रेशन किए उसका यहाँ पर लॉगिन करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कैप्चा नहीं समझ में आ रहा तो इसको रिफ्रेश करते, अब समझ में आ गया। अभी देखते XAOODZ, ठीक है, इसको डाल के यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं, तो ये मेरा न्यू वाला लॉगिन करे, देख सकते हैं 2021-22, तो देख सकते हैं यहाँ पर न्यू स्टूडेंट का प्रोफाइल जो है लॉगिन भी हो गया तुरंत, और इसका हम अभी स्कॉलरशिप को अप्लाई भी करेंगे तो स्कॉलरशिप अप्लाई भी हो जाएगा। मतलब ऐसा स्टूडेंट जो रिन्यूअल करना चाहते हैं, रिन्यूअल के लिए लॉगिन नहीं हो पा रहा, 504 गेटवे टाइम आउट बता रहा, और जो न्यू फ्रेश इस बार अप्लाई कर रहे हैं उन लोग का फ्रेश में अप्लाई हो जा रहा, लॉगिन हो जा रहा, ठीक है। तो हम आज अभी एनएसपी को ईमेल करते हैं कि सर, रिन्यूअल में प्रॉब्लम हो रहा, 504 गेटवे टाइम आउट बता रहा, इसका स्क्रीनशॉट भी एनएसपी को मेल करते हैं। जितना जल्दी हो सकता है आप लोग का ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है एनएसपी में सर्वर में कुछ वर्क चल रहा जिसके वजह से इस तरह का 504 गेटवे टाइम आउट बता रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्कॉलरशिप अप्लाई करने का टाइम है, 15 नवंबर तक, 30 नवंबर तक टाइम है, तो कुछ दिन बाद ही आप लोग रिन्यूअल करेंगे, क्योंकि कोई भी नया नया अभी अपडेट आ रहा तो उसको देख लेंगे, उसके बाद ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद जब भी 504 गेटवे टाइम आउट वाला ऑप्शन ये वाला हट के लॉगिन होने चालू हो जाएगा, मैं आप लोग के लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा जिसमें कि रिन्यूअल का लॉगिन जिस दिन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।